Morning friends, today we are going to talk about the chapter 12, The Arrow and the Song Poem. The Arrow and the Song Poem was written by Henry Wadsworth Longfellow, who was a great renowned American author of the 19th century. Let us start with the first stanza. I shot an arrow into the air, it fell to earth. The poet here says that he uses an arrow and a bow. So he shot an arrow. इनटू द हवा में उसने एक एरो को छोड़ा जो कि अर्थ पे जाकर गिरा, जो कि अर्थ मतलब ज़मीन पर जाकर गिरा। आई न्यू नॉट वेयर, पर कहाँ वो किस जगह ज़मीन पे जाकर गिरा ये चीज़ ऑथर को नहीं पता है। फॉर सो स्विफ्ट फ्लो, वो इतनी फास्ट और स्विफ्टली फ्लो कर रहा था कि ऑथर ये पकड़ ही नहीं पाया कि वो कहाँ गया वो फ्लाइट करके। सो हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि एक एरो को डिस्क्राइब कर रहा है ऑथर जो उसने छोड़ा, फिर वो ये बोल रहा है कि वो ऑथर जो है वो ये नहीं पता कर पाया कि वो एरो कहाँ जाके गिरा, क्योंकि वो इतना स्विफ्टली और इतना फास्ट मूव कर रहा था कि एरो नहीं बचा। लेकिन इसकी अगर इनर मीनिंग देखा जाए तो यह द इनर मीन द एरो मीन्स डिस्ट्रक्शन और हार्श वर्ड्स। So again it says, I shot an arrow into the air, it fell to earth, I knew not where, for so swiftly it flew, the sight could not follow in its flight. Second, I breathed a song into the air, it fell to earth. Again, in second sentence, in the first sentence उसने क्या किया था, arrow को shot किया था। Second sentence में क्या किया है, वो उसने सॉन्ग को into the arrow में breath किया था, for जो अर्थ वो भी अर्थ पर गिरा, पर वो भी अर्थ नहीं जानता क्योंकि इतनी साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन नॉट फॉर द फ्लाइट ऑफ सॉन्ग। तीसरा है लॉन्ग नो आफ्टरवर्ड इन एन ओक ट्री। सो आफ्टरवर्ड लॉन्ग लॉन्ग अगो आफ्टरवर्ड्स इन एन ओक आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोकन द सॉन्ग फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड आई फाउंड अगेन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड। सो जो एरो था उसने वो ओक ट्री में लगा हुआ पाया और जो सॉन्ग था उसने अपने हार्ट ऑफ फ्रेंड के बारे में लगाया। सो अगर हम इस पोएम को एक बार रिवाइज़ करें तो इस तरीके से रिवाइज़ करेंगे कि द एरो एंड द सॉन्ग, पोएट ने यहाँ पे दो चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, एक डिस्क्राइब किया है एरो को और डिस्क्राइब किया है सॉन्ग को। जहीं एरो जहाँ डिस्ट्रक्शन और हार्ड वर्ड कॉज कर रहा है वहीं सॉन्ग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है काइंडनेस। पहले स्टैंजा में हम एरो के बारे में बोलते हैं, दूसरे स्टैंजा में हम सॉन्ग के बारे में बोलते हैं और तीसरे स्टैंजा में हम कंक्लूजन के बारे में बोलते हैं। तो पहला है एरो। एरो के बारे में ऑथर ये बताता है कि वो एरो को इतना शॉट किया, जब वो शॉट किया तो वो जाके कहीं पे गिरा या कहीं पे तीर जैसा लग गया, लेकिन ऑथर वो नहीं फाइंड कर पाया क्योंकि वो इतना तेज और इतना स्विफ्ट वो फ्लो कर रहा था कि ऑथर पकड़ ही नहीं पाया कि वो कहाँ से जाके लगा। आई ब्रेड द सॉन्ग इन टू द एयर। फिर दूसरे स्टैंजा में उसने सॉन्ग के बारे में बताया कि आई ब्रेड द सॉन्ग इन टू द एयर, उसने सॉन्ग गुनगुनाया हवा में, वो सॉन्ग भी कहीं जाके कहीं पे लगा लेकिन वो इतना कीन और इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो भी पोएट नहीं पता पाया कहाँ था। लेकिन एट लास्ट थर्ड स्टैंजा जिसमें ये लिखा हुआ है कि लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड एन ओक आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोकन द सॉन्ग फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड आई फाउंड अगेन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड। तो यहाँ पे ये फाइंड किया कि जो वो एरो था वो ओक ट्री पे जाके लगा और साउंड था वो उसके फ्रेंड के हार्ट में जाके लगा। ये थी हमारी पोएम की समरी, द एरो एंड द सॉन्ग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।